सभापति महोदय, दूसरी ओर एक लड़का 100 मार्क के लिए जो परीक्षा में हाजिर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क प्राप्त होने के बाद वो समझता है कि वो परीक्षा पास हो गया। मैं विपक्ष के नेता को आज बताना चाहता हूं कि आज लगातार 3 चुनाव में 2014 हो, 2019 हो और 2024 में, तीनों चुनाव के अंदर जितने कांग्रेस सीट प्राप्त हुआ आज अकेला भारतीय जनता पार्टी आज 240 प्राप्त होने के बाद अब कम से कम 200 भी प्राप्त नहीं हुआ। एक अगर बच्चा एक बार फेल हो गया तो समझ सकते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम में उसको बिठा सकते हैं, मगर 3 बार कांग्रेस नेता के नेतृत्व में लगातार कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स फेल होना ये कांग्रेस से संभव हुआ, आपके कांग्रेस के नेता से ही संभव हुआ। आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखने के बाद और ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी आज पास नहीं हुआ, मतलब आपको सोचना पड़ेगा आपके नेतृत्व के बारे में। हमारा नेतृत्व जो है, मोदी जी ने ये 60 साल के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और 40 साल लगभग 1980 के बाद आज कोई भी दल आज 200 सीट प्राप्त नहीं हुआ, चाहे आपके यूपीए 1 हो या यूपीए 2 भी हो, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 240 सीट होना ये मामूली बात नहीं। ये देश के लोकसभा चुनाव के साथ ही चारों राज्यों में भी आज चुनाव हुआ, जो आंध्र प्रदेश एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ एनडीए सरकार का, ओडिशा एक इतिहास पहली बार बीजेपी सरकार में आना, और आज सिक्किम में भी हो आज पहली बार एनडीए सरकार बनाना, और अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। उतना ही नहीं, जहां कांग्रेस राज है, कांग्रेस शासन में है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस का सफाया हो गया, 4 के 4 सीट आज बीजेपी हासिल किया। कर्नाटका में आज बीजेपी सरकार रहने के बावजूद भी आज 19 सीट आज एनडीए प्राप्त किया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार रहने के बावजूद भी आज एनडीए 19 सीट प्राप्त किया और सिर्फ 9 सीट। तेलंगाना में जहां मैं वहां से आता हूं, तेलंगाना में आपके सरकार बन के 5 महीने भी नहीं हुआ, जो गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह कर किस तरह आज लोग तड़प रहे, आज बदलाव चाह रहे, तेलंगाना में भी विकल्प के रूप में बीजेपी की ओर देख रहे। आज तेलंगाना में 8 सीट प्राप्त होने के बाद 35% वोट हासिल करना ये बीजेपी का संभव। मैं विश्वास जताता हूं सभापति महोदय, जब भी तेलंगाना में चुनाव हुआ जरूर डबल इंजन सरकार बनने का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। उत्तराखंड में भी जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे सीट हासिल किया है, इसलिए मैं बार बार चुनाव के समय में मैं तेलंगाना के अलावा कई राज्यों में भी मेरा प्रवास हुआ, जहां भी देखो कांग्रेस का धोई नारा था संविधान और उसके बाद आरक्षण का मुद्दा। मैं पूछना चाहता हूं आरक्षण के बारे में आज कांग्रेस का कोई नैतिक हक नहीं है आज बात करने की। मोदी जी सरकार आरक्षण के बारे में सिर्फ 10 साल के अंदर कोई आरक्षण घटा नहीं बदला, और आज मोदी जी ने एससी एसटी ओबीसी के अलावा आज 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। ये मोदी जी सरकार जो असंभव मानते थे आप संभव करके दिखाया, आप 10 साल में यूपीए में रहने के बाद भी नहीं दिया, ये अलग आरक्षण दिया गया। उतना ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी के अलावा सवर्णों के लिए जो गरीब परिवार के थे उनके आर्थिक रूप से उनको भी अलग आरक्षण दिया, उसके अलावा और 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया। उतना ही नहीं, 70 साल से जो आरक्षण नहीं था 370 धारा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा, ये मोदी जी का सरकार। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए
आप कितने प्रचार करें, दुष्प्रचार करें, आप फेक वीडियो बनाए प्राइम मिनिस्टर का, किस तरह फेक वीडियो बनाकर आज दुष्प्रचार करें चुनाव के समय में, उसके बाद गृह मंत्री का बाद ये आरक्षण के बारे में किस तरह आप फेक वीडियो बनाकर आपके कांग्रेस के सोशल हैंडल्स के माध्यम से दुष्प्रचार करने के बाद भी आज जनादेश आज एनडीए के ओर दिया गया। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए मोदी जी सरकार का जो संकल्प है विकसित भारत, आपका जो है विभाजित भारत, लोग आज विकसित भारत के आज अनुकूल जो जनादेश दिया गया, इसलिए मैं आपका जो आज ये प्रस्ताव रखा गया महामहिम राष्ट्रपति का, उसका समर्थन करते हुए मैं धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री टू रिप्लाई द डिस्कशन, चर्चा का उत्तर देंगे। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ। राष्ट्रपति महोदया के भाषण में देशवासियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोत्साहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 2-2.5 दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है और कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है।
आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी सककर, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था एक तिहाई सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है, एक तिहाई हुआ है, एक तिहाई हुआ है, दो तिहाई बाकी, और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एक निष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों के विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा है। आदरणीय सभापति जी, संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं, और इसलिए एक सुभग संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहा है। और उसका कारण बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया है, और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है, और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में,
हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है तो संविधान दिवस क्यों लाए। और आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेजेस में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेजेस में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो, देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया है। और इसे देश के कोने कोने में संविधान की भावना को, संविधान के पीछे जो मकसद है उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, ये चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना, क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया। आदरणीय सभापति जी, देश भली भांति जानता है, देश ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचाने में सफलता पाई है। और जैसे जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की ओर पहुंचता है,
एक की तरफ पहुंचता है तो चुनौतियां भी बढ़ती है और कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भी तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल हुए। इस बार देश की जनता ने हमें 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे। मैं जानता हूं आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप 3rd नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ऐसे विद्वान है। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदि है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते, वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते, आने वाले वर्षों में पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है उसको गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं, आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए
एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के, विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। आदरणीय सभापति जी, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखंड में हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, ये शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य रूप से देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ भारत के कोटि कोटि जनों को जल्द से जल्द मिले, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पेटेंट की रजिस्ट्री हो, मैं साफ देख रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की तादाद में से शहर भारत में एक विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभ, उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर, ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के युवा और हमारे देश की नारी शक्ति, आदरणीय सभापति जी, हमने
हमारी विकास यात्रा में हमारा जो फोकस है उसको हमने रेखांकित किया है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी कई साथियों ने खेती और किसानी को लेकर के हर एक ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बातें सकारात्मक रूप से भी रखी है। मैं किसानों को लेकर सभी सदस्यों को और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। बीते 10 वर्ष में हमारी खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, किसान को लाभकारी हो, उस पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया है और अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है। चाहे फसल के लिए ऋण हो, लगातार नए बीज किसानों को उपलब्ध हो, खाद की कीमत उचित हो और फसल बीमा का लाभ पहले की सारी मुसीबतें दूर कर देते किसानों को सरलता से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था है। चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके किसानों को लाभ पहुंचाया। एक प्रकार से बीज से बाजार तक हमने किसानों के लिए हर व्यवस्था को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बरसक प्रयास किया है और व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना करीब करीब न के बराबर था, बहुत मुश्किल था, जबकि उनकी संख्या सबसे अधिक आज हमारी नीतियों के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के कारण। आदरणीय सभापति जी, हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है और इसके कारण हमारे किसानों का खेती के काम को उसके विस्तार को भी मजबूती मिली, उस दिशा में भी हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पीटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का बरसक प्रयास किया गया था। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी
उसका इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया था। और एक अनुमान था कि उसके लाभार्थी शरीफ देश के 3 करोड़ किसान, सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का किसानों को हुआ संसदीय आचरण की भर्त्सना करता हूँ। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, हम किसानों को अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये आचरण सही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक एवं मर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स
द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो। जब आपने अपनी पूरी बात कह दी, माननीय सदस्यगण आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन, चैलेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने भारत के संविधान को चुनौती दी, आउटरेज उन्होंने द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की भावना को आहत किया है। उन्होंने दे अंडरटेकन जो शपथ ली थी, मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए। आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं और न ही मैं यहां कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब है। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है। और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया, सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। आदरणीय सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले 5 साल सिर्फ इसी का इंक्रीमेंटल वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते। हम नए नए क्षेत्रों को उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, अन्न भंडारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हमने हाथ लिया है।
और लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। फल और सब्जी एक ऐसा क्षेत्र है, हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके भंडारण के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है। देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये हमारी प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया, आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है, उनको पूजती भी है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ हमने मिशन मोड में उनकी कठिनाइयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हमारे समाज में किसी न किसी कारणवश एक उपेक्षित वर्ग यानी एक प्रकार से समाज में बार बार हरदूत होने वाला वर्ग, वो ट्रांसजेंडर वर्ग है। हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पश्चिम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता है, अच्छा भारत इतना प्रोग्रेसिव है, भारत की तरफ बड़े गर्व की नजरे से देखा जाता है। हमने उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया है। आपने देखा होगा पद्मा अवार्ड में भी ट्रांसजेंडर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे घुमंत जनजातीय समुदाय, हमारे घुमंत साथी, हमारे बंजारा परिवार, उनके लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्यकताओं को हम एड्रेस कर सके और उनको भी एक स्थायी, सुरक्षित और संभावनाओं वाला जीवन प्राप्त हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं, पीवीटीजी। हमारे जनजातीय समूह में ये सबसे पीछे रहा हुआ है और आजादी के इतने सालों के बाद भी जिन्होंने उनको निकट से देखा होगा पता चलता है कि कैसे हालत में जीते हैं, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। हमने एक विशेष व्यवस्था की है और पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ ये समुदाय बिखरा हुआ है, छोटी संख्या में है, वोट की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपरा है जिसकी वोट की ताकत है उसी की चिंता करना, लेकिन समाज के ऐसे अति पिछड़े लोगों की कोई चिंता नहीं करता था। हमने वो चिंता की है क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पारंपरिक पारिवारिक कौशल्य भारत की विकास यात्रा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है। जो हमारा विश्वकर्मा समूह है, जिनके पास परंपरागत से हुनर है और जो समाज की आवश्यकताओं को पूरी करता है, लेकिन उनको कभी एड्रेस नहीं किया गया। हमने करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की तरफ ले जाना, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आए। आदरणीय सभापति जी, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था,
लेकिन मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी, हालत थी। पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों की चिंता की गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से बाहर आकर के अपने परिश्रम से और ईमानदारी से जो रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं वे लगातार बैंक वाले भी खुश हैं, लेने वाले भी खुश हैं और जो कल फुटपाथ पर रेहड़ी बैठता था आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो पहले खुद मजदूरी करता था आज एकाध दो को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। और यही कारण है कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मां अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती, ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे हैं। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती है, मिलकर के करती है, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी हैं और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को
हमारी महिलाएं लीड करें, वो अगुवाई करें, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है। हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी का पहला अवसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको बदले। और इसी के तहत नमो ड्रोन दीदी ये अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और आज गांव में किसानों को मदद करने का टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम गांव की हमारी महिलाएं कर रही है। और मैं जब उनसे बात कर रहा था मुझे कह रही है, अरे साहब हम लोग कभी साइकिल भी नहीं चलाना जानते थे, आपने हमें पायलट बना दिया है और पूरा गांव हमें पायलट दीदी के नाम से जानने लगा। और इस गरिमापूर्ण बात उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। आदरणीय सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कैसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा, वो बहन चीख रही है लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं और बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको साफ सूंघ जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनकर देश में तो स्थिरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने विश्व को आश्वस्त किया है। आदरणीय सभापति जी, और इस नतीजों के कारण भारत विश्व भर के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनकर के उभर रहा है। इप्स और बर्ड्स का समय पूरा हो चुका और भारत में विदेश का निवेश भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेके आता है।
भारत के युवाओं के टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक अवसर बन जाता है। आदरणीय सभापति जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर्स, प्रधानमंत्री जी, इफ द हाउस एग्रीज जारी है लंच आवर विल बी डिस्मिस्ड विद टू कंक्लूड द डिस्कशन। डू आई हैव लीव ऑफ द हाउस टू डिस्मिस विद द लंच आवर टुडे? क्या सबके सहमति? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे भी एक मौका दिया है जो मेरे से पहले एक चेयरमैन को ही मिला है, टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर, कि वे प्रधानमंत्री जी को सुने। तीसरी बार जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर दे रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन लेकर आप देखिए टेबल के ऊपर हमने पुरुषों का 1/3 रिजर्वेशन कर दिया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन जो चाहते हैं उनका भारत का ये विजय उनके लिए एक बहुत बड़ी नई आशा लेकर के आया है। आज विश्व पारदर्शिता पर भरोसा करती है और भारत उसके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ भूमि के रूप में उभर रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव नतीजों से कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। तो मैं अपने व्यक्तिगत लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? आदरणीय सभापति जी, मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार पर के खड़े हो गए। और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है। इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी लेकिन आगे किसको किया? एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले हैं लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे उनका कुछ जाता नहीं है। 2017 में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया, पराजय हुआ उनको पराजय झेलना पड़ा। कांग्रेस की एससी एसटी ओबीसी ये विरोधी मानसिकता है जिसके कारण ये पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का
अपमान करते रहे। इसी मानसिकता के कारण देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपमानित करना, विरोध करने में कोई कमी नहीं दी और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कोई नहीं कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, ये संसद, ये उच्च सदन सार्थक वाद विवाद संवाद और इस मनोमंथन में से अमृत निकाल करके देशवासियों देने के लिए है। ये देश का सबसे बड़ा मंच माना जाएगा। लेकिन जब मैंने कई वरिष्ठ नेताओं की बातें सुनी पिछले दो दिन में, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को निराशा हुई है। यहां कहा गया कि ये देश के इतिहास का पहला चुनाव था जिसका मुद्दा संविधान की रक्षा था। मैं जरा उन्हें याद कराना चाहता हूं, क्या अब भी ये फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या? क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था, संविधान की रक्षा के लिए। पूरे विश्व में इससे बिड़ा कभी चुनाव नहीं हुआ है और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह कर रहे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है। कहा अगर संविधान की रक्षा को कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब खड़गे जी ऐसी बातें बोलते हैं तो जरा पीड़ादायक लगता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो।
इमरजेंसी में पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में गड़ गई जी, क्या हुआ था? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से फाड़ा गया था? आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में लिखित रूप में प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर सब कैसे कहां होते हैं? कोई मुझे बताएं कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी? कौन सा संविधान था? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों बाद में, एक परिवार के लोग पहले, कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने? और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं, अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो, आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है, उसके जहन में। आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात निकली तो वो बहुत पुराना हो गया। जो आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? आदरणीय सभापति जी, इस हाउस में कोशिश की गई संविधान की बात करना, लेकिन इमरजेंसी को कभी भी आने नहीं देना, ये चर्चा करने का अनुभव है। लेकिन ये देश, इनके साथ जो लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमरजेंसी के भुक्त भोगी रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैठना पसंद किया है, मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है, संविधान के प्रति समर्पण का भाव होता तो ऐसा नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था, अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए, ये हाल उन्होंने कर दिया था। और प्रताड़ना सिर्फ राजनेताओं की नहीं, आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गया था, सामान्य आदमी को भी। और इनको इनका इतने सारे जुल्म, उसमें इनके लोग भी थे अंदर, उनके साथ भी ये जुल्म हुआ, लेकिन आज भूल। आदरणीय सभापति, वो दिन ऐसे थे कि जो कुछ लोग घर से निकले कभी घर लौट करके वापिस नहीं आए, और पता तक नहीं चला उनका शरीर कहां गया, यहां तक की घटनाएं घटी थी। आदरणीय सभापति जी, ये बहुत सी पार्टियां जो उनके साथ बैठी है वो अल्पसंख्यकों की आवाज होने का जरा दावा करते हैं और बड़े ज्यादा चिल्ला करके बोलते हैं, क्या कोई
मुजफ्फरनगर और तुकमान गेट, वहां अल्पसंख्यकों के साथ इमरजेंसी में क्या हुआ था जरा याद करने की हिम्मत करते हैं क्या, बोलने की हिम्मत करते हैं क्या आदरणीय सभापति जी? और ये कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं, कैसे देश को माफ करेगा? ये शर्मनाक है कि ऐसी तानाशाही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में संविधान की प्रत लेकर के अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, उस समय कई अलग छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, ये इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतरे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जमीन बनाई थी। आज वो कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं और मैंने कल लोकसभा में कहा था अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है, ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है और जहां किसी के सहारे किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है, वो किसी की आड़ में आए हैं, ये कांग्रेस परजीवी है, किसी और के कारण सहयोगी दलों के वोट खा करके वो जरा फली फूली है ऐसा दिखता है। और कांग्रेस का परजीवी होने का कारण उनके अपने कारनामों से है, वो देश की जनता का विश्वास नहीं लेता, वो जोर तोड़ करके बचने का रास्ता खोज रहे हैं, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए फेक नैरेटिव के द्वारा, फेक वीडियो के द्वारा देश को भ्रमित करके गुमराह करके अपने कारनामे करने की आदत है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में, ये उच्च सदन है, यहां विकास के विजन पर चर्चा होना स्वाभाविक अपेक्षित है, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए हैं बेशर्मी के साथ, जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है, और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं, क्या आप लोगों को जेल क्या पहुंच भेज रहे हो? आदरणीय सभापति जी, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं, जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करें आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करें आप, पानी तक में घोटाला करें आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग, और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी, अब ये बताएं
कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके सहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं, और भारत सरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। दिल्ली में ईडी सीबीआई की कार्रवाई उस पर हाय तोबा करते हैं, और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं शाहजादे। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसमें भी दोगलापन। आदरणीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा, यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। और ईडी ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे, उनको तब ईडी बहुत प्यारा लगता है। आदरणीय सभापति जी, ये आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, मैं जरा उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए, मैं ऐसा उनका आग्रह करता हूं। जांच एजेंसियों का पहले दुरुपयोग कैसे होता था, कैसे होता था, कौन करता था, मैं जरा बताना चाहता हूं। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस, सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को भी कहा, जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दे उनको, पता चलेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और बयान पढ़ता हूं, ये भी साल 2013 का है। द कांग्रेस हैड यूज द सीबीआई टू स्ट्राइक पॉलिटिकल बार्गेन्स विद मेनी पार्टीज। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया, कई जगह किया। कॉमरेड श्रीमान प्रकाश कराज जी ने ये कहा हुआ है 2013 में, कहा एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था। एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्टेटमेंट क्या है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद है। आदरणीय सभापति जी,
भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सर्वमान्य सामान्य मानवीय के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बातें कही थी। एक, हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और दूसरा, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी। ये मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था। इसी ध्येय को लेकर के एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्याण योजना हम चला रहे हैं, गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध नए कानून, नई व्यवस्थाएं, नए तंत्र हम विकसित कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 उसमें संशोधन किया। हमने काले धन के खिलाफ एक नया कानून बनाया। बेनामी संपत्ति को लेकर हम नया कानून लेकर के आए। इन कानूनों से भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो गई, लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारात्मक रूप से गवर्नमेंट में भी बदलाव लाया। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर बल दिया। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है और तभी आज हर लाभार्थी तक उसके हक का फायदा तुरंत सीधा पहुंच रहा है। एक नए पैसे का लीकेज नहीं होता है। ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का पहलू है। और जब सामान्य नागरिक को ये व्यवस्था मिलती है तब उसका लोकतंत्र में भरोसा बढ़ता है, उसको सरकार में अपनापन महसूस होता है और जब अपनापन महसूस होता है ना तब तीसरी बार बैठने का मौका मिलता है। आदरणीय सभापति जी, मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लकपेट नहीं रखता हूं और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ो से कठोर कार्यवाही करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बचकर के नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को
ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े, पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें, इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ आरोप लगाने की फैशन है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे उसके जवाब घटनाएं खुद दे देती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़े हैं वो पिछले चार दशक के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, और इसको सिर्फ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है, भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं, भारत के लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वीकृति देते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है आदरणीय सभापति। देशवासी जिस पल की प्रतीक्षा करते थे वो आज इतनी सहज सरलता के सामने दिख रही है। आदरणीय बीते अनेक दशकों में बंद, हड़ताल, आतंकी धमकियां, इधर उधर बम धमाके की कोशिशें एक प्रकार से लोकतंत्र पर ग्रहण बनी हुई थी। आज इस बार लोगों ने संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है। मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एक आध बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है और इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, ये सबसे जरा विश्वास पैदा करने वाली बात है। आज वहां टूरिज्म नए रिकॉर्ड बना रहा है, निवेश बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आज जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ के रखा था, क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है, नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं, क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है? कभी कोई परवाह ही नहीं, उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर ताकत से लगे। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है, और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये हमें स्वीकार करना है। आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष में जो काम किया है
और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से साथ उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है, उसको हमने प्राथमिकता दी है और आज भूतकाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाया है। आदरणीय सभापति, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए 10 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए गए हैं, बिना रुके बिना थके, हरेक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किए गए और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी से अब तक निरंतर चलता रहा है। हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं एक के बाद एक अकॉर्ड करते करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड है, सहमति की रिकॉर्ड है और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहां आना है, कहीं रेखा यहां बनानी, कहीं रेखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रहकर लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था, आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं, जो गंभीर गुनाह के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 FIR की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करते हैं, शांति के लिए सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों से को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृहमंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के
संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की दो टीमें वहां पहुंची है, यानी कि प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहां का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी और ये हमारे कालखंड में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है और राष्ट्रपति जी सभापति आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को तो बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था, वो 5 साल लगातार चला था। तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हरेक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में, शांति लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में यहां आया। उसके पहले लंबे अरसे तक मुझे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था और इसके कारण मैं अनुभव से सीखा हूं कि फेडरलिज्म का महात्म्य क्या होता है और उसी में से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और उसी में से कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन विचारों को मैं बल देता आया हूं। और इसीलिए जब G20 समिट हुई तो हम दिल्ली में कर सकते थे, हम दिल्ली में बहुत बड़ा तामझाम के साथ मोदी की वाहवाही कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर देश के हर राज्य के अंदर अलग अलग कोने में G20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए, उस राज्य को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक प्रतिष्ठा मिले इसके लिए प्रयास किया गया, उस राज्य का ब्रांडिंग हो, विश्व उस राज्य को जाने पहचाने,
उसके सामर्थ्य को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए खुद भी अपना नसीब आजमाए, इस दिशा में हमने काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि फेडरलिज्म के और रूप होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब कोविड के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते थे, जितनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ है, शायद हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में इतने कम समय में इतनी बार नहीं हुआ है, हमने किया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है और इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस एरिया, उसकी चर्चा इस सदन में करना मैं उचित मानता हूं। और मैं कुछ आग्रह भी साझा करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राथमिकता से साथ अपनी नीतियां बनानी चाहिए, योजनाओं लेकर के आगे आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, निवेश आकर्षण करने वाली नीतियों में स्पर्धा हो, और वो भी गुड गवर्नेंस के माध्यम से हो, स्पष्ट नीतियों के माध्यम से हो। मैं पक्का मानता हूं कि आज जब विश्व भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब हर राज्य के लिए अवसर है। और जब ये राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है, तो मैं आग्रह करूंगा राज्यों से कि आप आगे आइए और विकास की यात्रा में आप भी इसका फायदा उठाइए। रोजगार सृजन में इस राज्यों के बीच स्पर्धा क्यों न होनी चाहिए। हमारे राज्य की उस नीति के कारण उस राज्य में नौजवानों को इतना रोजगार मिला, तो दूसरा राज्य का है, तुम्हारी नीति में मैंने प्लस वन कर दिया तो मुझे ये फायदा मिला। रोजगार के लिए राज्यों के बीच पर स्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये देश के नौजवानों के भाग्य को बदलने में बहुत काम आएगा। आज नॉर्थ ईस्ट में, असम में सेमीकंडक्टर पर तेज गति से काम चल रहा है और इससे असम, नॉर्थ ईस्ट, वहां के नौजवानों को बहुत ही फायदा होने वाला है और साथ साथ देश को भी फायदा होने वाला है। और नॉर्थ ईस्ट की धरती, क्योंकि एक राज्य सरकार जब एग्रेसिवली नीतियों को लेकर के आती है तो उसका, आदरणीय सभापति जी, यूएन ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। ये भारत की अपनी खुद की ताकत है, मिलेट्स हमारे छोटे किसानों की ताकत है। और जहां कम पानी है, जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वहां पर मिलेट्स, जो कि एक सुपर फूड है, मैं मानता हूं कि राज्य इसके लिए आगे आए, अपने अपने राज्य के इस सुपर फूड को, मिलेट्स को लेकर के वैश्विक बाजार में जाने की योजना बनाए। उसके कारण दुनिया के हर टेबल पर हिंदुस्तान का मिलेट होगा, डाइनिंग टेबल पर, और हिंदुस्तान के किसान के घर में दुनिया से कमाने का अवसर पैदा हो जाएगा। भारत के किसान के लिए समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आप आइए। आदरणीय सभापति जी, दुनिया के लिए न्यूट्रिशन मार्केट, इसका सॉल्यूशन भी हमारे देश के मिलेट में है। ये सुपर फूड है और जहां पर न्यूट्रिशन की चिंता है, वहां पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा काम कर सकता है। हम इस आरोग्य की दृष्टि से भी वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्य आगे आए, अपनी एक पहचान बनाए। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी में ईज ऑफ लिविंग ये सामान्य मानवीय का हक है और मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने यहां के नीति, नियम, व्यवस्थाएं उस प्रकार से विकसित करें ताकि सामान्य नागरिक को ईज ऑफ लिविंग का अवसर मिले। और इस सदन से राज्यों को अगर वो संदेश जाता है तो देश के लिए उपयोग होगा। आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसको हमें कई स्तरों पर नीचे ले जाना पड़ेगा और इसलिए चाहे पंचायत हो,
नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, तहसील पंचायतें हो, जिला परिषद हो, ये सारी इकाइयों में एक ही मिशन के साथ भ्रष्टाचार से मुक्ति का राज्य अगर बीड़ा उठाएंगे तो हम बहुत तेजी से देश के सामान्य मानवी को जो भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है उससे मुक्ति दिला सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, समय की मांग है कि हमारे यहां एफिशिएंसी अब होती है चलती है का जमाना चला गया है। 21वीं सदी में भारत को अगर भारत की सदी के रूप में अपने आप को प्रस्तावित करना है तो हमारे गवर्नेंस के मॉडल में, हमारे डिलीवरी के मॉडल में, हमारे निर्णय प्रक्रिया के मॉडल में एफिशिएंसी बहुत अनिवार्य है। मैं आशा करता हूं कि सर्विस की स्पीड बढ़ाने में, निर्णयों की स्पीड बढ़ाने में एफिशिएंसी की दिशा में काम होगा और जब इस प्रकार से काम होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी आती है, इप्स एंड बर्थ भी नहीं रहते हैं और सामान्य मानवीय के हकों की रक्षा भी होती है और ईज ऑफ लिविंग, इसका एहसास हर नागरिक कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मेरा एक कन्विक्शन है और मैं मानता हूं कि आज समय की मांग है हमारे देश के नागरिकों के जीवन से सरकार की दखल जितनी कम हो उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार सरकार सरकार, अब हम उस दिशा में जा रहे हैं तब हां, जिनको सरकार की जरूरत है, जिनके जीवन में सरकार की उपयोगिता आवश्यकता है, उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपने बलबूते पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार का प्रभाव उनके रोकने का प्रयास न करें और इसलिए सरकार की दखल जितनी कम हो वैसी समाज और सरकार की व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि आप आगे आइए। आदरणीय सभापति जी, क्लाइमेट चेंज के कारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है और वो किसी को एक कोने में करने वाला काम नहीं होता है, हमने सामूहिक रूप से मिलकर के काम करना होगा। राज्यों ने अपने सामर्थ्य बढ़ाना होगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरा, पीने के पानी की व्यवस्था वो भी उतना ही महत्व देना होगा, सामान्य मानवीय को आरोग्य की सेवा वो भी उतना ही महत्व देना होगा। और मैं मानता हूं कि हमारे राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इन मूलभूत कामों की दिशा में हमारे राज्य जरूर जुड़ेंगे। आदरणीय सभापति जी, ये दशक और ये सदी भारत की सदी है, लेकिन भूतकाल हमें कहता है कि अवसर तो पहले भी आए थे लेकिन हम अपने ही कारणों से अपने अवसरों को खो चुके थे। अब हमें अवसर खोने की गलती नहीं करनी है, हमें अवसरों को ढूंढना है, हमें अवसरों को जकड़ना है और अवसरों के सहारे हमें अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, उस दिशा में जाने का। इससे बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है जो समय आज भारत के पास है, 140 करोड़ देशवासियों के पास है, विश्व के सबसे युवा आबादी वाले देश के पास है और इसको मैं, जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं, बहुत तेजी से आगे निकल चुके हैं, हम नहीं पहुंच पाए। हमें इस स्थिति को बदलना है और इस संकल्प को लेकर के हमें गिरा जिन देशों ने 80 के दशक में रिफॉर्म्स किए, वे आज बहुत तेजी से एक विकसित देश के रूप में खड़े हो गए। हमें रिफॉर्म्स को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म से कतराने की जरूरत नहीं है और रिफॉर्म करते हैं तो खुद की सत्ता चली जाएगी ऐसे भयभीत रहने की जरूरत नहीं है, सत्ता को हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी भागीदारी बढ़ेगी, जितने निर्णय की शक्ति सामान्य मानवीय के हाथ जाएगी, मैं समझता हूं हम भी, भले हम शायद लेट हुए हो लेकिन हम उस आकांक्षाओं को पूर्ण करने में, उस गति को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मिशन ये किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का है, किसी एक सरकार का मिशन नहीं है,
देश की सभी सरकारी इकाइयों का मिशन है और हम एक सूत्र में एक संकल्प के साथ मिलकर के चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार कर पाएंगे, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, मैं विश्व मंच पर जाता हूं, विश्व के अनेक लोगों से मिलता रहता हूं और मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि पूरा विश्व निवेश के लिए तयार है और भारत उनकी पहली पसंद है। हमारे राज्यों में निवेश आने वाला, उसका पहला द्वार तो राज्य ही होता है। अगर राज्य जितना ज्यादा इस अवसर को जुटाएंगे, मैं इसको मानता हूं उस राज्य का भी विकास होगा। आदरणीय सभापति जी, जिन जिन बातों को हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया था उन सबको संकलित रूप में जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण दिया, जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिए हैं और देश के सामान्य मानवी के अंदर जो उन्होंने विश्वास पैदा किया है, इसके लिए मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।